हेलो एवरीबॉडी, दिस इज माधव सब्जवारे एंड टुडे वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। आज हम लोग योयो लैंड जा रहे हैं और एक इस्लाम म्यूजियम और एक और जगह जा रहे हैं। साथ साथ आपको दिखाती हूँ जो होता है। गाउन टीचर्स गाउन मैंने अभी उतार दिया है, पहले पहना था गाड़ी में आकर, अभी फिर मैंने उतार दिया। टोटल 4 बसेस जा रही हैं, 3 क्लासेज हैं, 6th, 7th और 9th, और गर्ल्स कैंपस वाले भी जा रहे हैं, गर्ल्स कैंपस वालों की भी और हमारी भी। मैं तो बॉयज़ कैंपस में हूँ। अभी 8:30 हो चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फेज़ 2 से, और इसके बाद हम लोग सबसे पहले जाएंगे टेक्सला, और टेक्सला के बाद हम लोग जाएंगे B17। अभी सर ब्लूटूथ को चेक कर रहे हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा था फ़ोन से। इतना नज़दीक आकर ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, अभी टक्कर होने वाली थी इस ट्रक के साथ। हम लोग सारे पिकनिक पर जाने से पहले शहीद हो जाते। अभी हम लोग पहुँच जाए इधर, पहले जाएंगे स्टूपा और इसके बाद टेक्सला म्यूज़ियम और फिर योयो लैंड। हे डॉगी, इस तरफ सारे कीनू लगे हुए माल्टे। बच्चे आगे आगे जा रहे हैं, ये नीचे से पानी बह रहा है। तस्वीर बना ना, ये पानी बड़ा सारा पानी। ये अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, देखते हैं कि क्या है असल जो देखने जा रहे हैं, पता मुझे भी नहीं है अभी तक। और ये पानी बहुत प्यारा लग रहा है, वैसे है तो गंदा लेकिन फिर भी मौसम बहुत अच्छा है। ये हमारी चिड़िया है जो कि उड़ रही है। असल चीज च्युइंगम ही भूल गए हैं। हम लोग पिक्चर्स बनाने आए थे, इतने में वो लोग बहुत दूर चले गए, अब उनके साथ जाते हैं। बल्कि ये इधर हैं, बॉयज़ कैंपस इधर है, वो गर्ल्स कैंपस वाले उस तरफ गए हैं। बहुत ही पीसफुल जगह है ये वैसे। अब हिस्ट्री कौन बताएगा इसकी, कौन कहाँ पे मरा था? चलिए आगे चलते हैं। कोई नहीं बताएगा हमें, नहीं खुद ही गेस करें।
हाँ खुद ही गैस कर लेते हैं, पुराने जमानों की ये घर हुआ करते थे। हाँ और क्या, बहुत पुरसकून सी जगह है ये। कोई पुराने घर वगैरह होते थे यहाँ पे, ये वो टूटे फूटे। अभी फिलहाल हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता कि ये किसके थे, या मतलब उनसे पूछ के तो फिर बताती हूँ। और ये पता नहीं क्या है, ये वैसे क्या चीज़ होगा, स्विमिंग पूल तो नहीं है इनके? नहीं नहीं स्विमिंग पूल। ये क्या है नहीं पता नहीं ये। ये इनके पूरे बड़े बड़े घर, ये शायद बड़े बड़े बेडरूम्स थे इनके। अब तो लेट्स एंजॉय। ये क्या चीज़ है पता नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कोई बंदा सा बना हुआ है इसका फेस और वो, लेकिन पता नहीं क्या है। और ये है अक्सर, ये स्विमिंग पूल था। अस्तगफिरुल्लाह, इतने गहरे ये स्विमिंग पूल था, इसमें तो बंदा डूब के ही मर जाए। वाटर अच्छा खासा गहरा है ये, इसमें कोई डूब सकता है। ये पता नहीं क्या है, शायद बैठने की जगह होगी। ये इनका ग्रुप फोटो बनने लगे। ये हमारी कोई नहीं बनी, हमारी बनाई नहीं, ऐसी खड़ा ही है, खड़े हुए हैं। गौतम बुद्ध के पांव दिखाती हूँ मैं आपको कैसे हैं। ये हैं गौतम बुद्ध के पांव, और ये भी हैं, ये पता नहीं किसके, उसके नौकर के होंगे, गौतम बुद्ध के नौकर के पांव। ये सर कलम किया हुआ पता नहीं कौन है। गाउन में उतार कर रही हूँ, बस अभी यही डर लगा हुआ कि ये ना हो किसी ने कुछ कोई कह ही ना दे के। इसके बाद हम लोग योयो लैंड जाएंगे, और ये है यहाँ का नज़ारा। ये उनके पुराने ज़माने में कोई घर वगैरह हुआ करते थे, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ टाइप, बहुत ही बड़ा एरिया ये तो। उस तरफ लोग छुप गए हैं, उस तरफ काफ़ी सारे लोग हैं, ये आ गई है। अभी ऊपर जाते हैं पिक्चर्स लेते हैं, यहाँ पे भी अच्छी आएंगी पिक्चर्स। ये सारे वापस जा रहे हैं, हम ऊपर देखाते हैं जल्दी से। ऐसी ही जगह होगी ऊपर भी है ना, ऐसी ही लगते हैं, कुछ इसी तरह ही होगी। वैसे ये बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, कैमरे में तो पता नहीं कैसा नज़र आ रहा है, लेकिन असल में बहुत प्यारा है। वो कह रहे हैं कि वो सर बुला रहे हैं कि साथ ही रहें, अकेले अकेले नहीं जाना, ये जंगल है। तो हमने कहा एक मिनट देख आते हैं, बहुत बड़ा एरिया है ये। सीमेंट वगैरह कहाँ हुआ, ये भी किया होगा इन्होंने। ये आई थिंक स्विमिंग पूल होगा, ये क्या है, तालाब है, पता नहीं क्या चीज़ है। और वैसे बहुत प्यारा व्यू है, बहुत पुरसकून जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस। चले वापस जाते हैं, वो सर कह रहे थे कि वापस आए। बता हाँ अंकल, हमें भी बताए ना,
पहले मेरे साथ आज ये बैक साइड में हाउसेस थे यानी घर के आले दोनों तरफ, ये सामने का कोर्ट एरिया था ठीक है। जो भी लोग देखे ये इनकी मोनेस्ट्री है, मतलब एक मदरसा होता है ना, जहाँ हम छोटे रूम देखे हैं वो रूम में बैठ के मेडिटेशन करते हैं। ऊपर जो रूम होते हैं वो बेसिकली इबादत सॉरी आराम के लिए, नीचे इबादत के लिए, फिर बीच में पौंड होता है जहाँ हम पानी में खड़ा होकर मेडिटेशन करते हैं और कहते हैं कोई भी हमारा गुनाह है वो सारे धुल जाते हैं। अब उस तरफ से वापस हम लोग जाएंगे, गर्ल्स वाले उस तरफ से आए हैं और इस तरफ से वो वापस जाएंगे। हम लोग इस तरफ से आए हैं, उस तरफ से वापस जाएंगे। बहुत प्यारा एरिया है वैसे ये। वैसे यहाँ बैठ कर चाय पीने का बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे ऊंची जगह में चेयर्स लगा कर ना, लेकिन चेयर्स लगाने की कोई खास उस तरह नहीं है। यहाँ पर ये सारे ग्रुप फोटो ले रहे हैं, सर बिलाल इनकी ग्रुप फोटो लेंगे, उसके बाद हम लोग उस तरफ से वापस जाएंगे। और ये है बस काफी है। ओके ओके। और ये वोटिव स्टॉपर, ये पता नहीं क्या है, ये डिफरेंट कंस्ट्रक्शन स्टाइल है। ये भी कोई बहुत प्यारी जगह है। ये इन सब के ये सर मौजम इतना ऊपर गए हुए। शूज़ों की तो हालत ख़राब हो गई है, शूज़ बहुत गंदे हो गए हैं। शी इज़ माई फ्रेंड। आपके इतने गंदे नहीं हुए और मेरे आप गंदे कारी हैं, देखें ना ना। प्यारा वैसे ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पर बैठकर बहुत इंजॉय कर सकते हैं आप। ये इन्होंने पूरा ये दिया हुआ है, ये है वो पहाड़ी नुमा जिसपे ये सारे गए थे, ये मेन स्ट्रिपर। और ये पूरा इन्होंने इसका मैप वगैरह दिया हुआ है। और ये कुछ हिस्ट्री वगैरह है इसकी। चलो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, वो सामने बसेस खड़ी हैं 1 2 3 4। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, ये वही वाला पानी वापस, ये गंदा पानी देखे आप लोग। हाँ ये देखे गंदा पानी, गंदा नाला। और कोई यहाँ पे खिताब दे, ग्रीनरी नजर आ रही है, ग्रीनरी हाँ। इसके अंदर ये कितनी वाओ, कितने ज्यादा मच्छर हैं यहाँ पे। वाओ, ओह माय गॉड। अब हम इसको क्रॉस करेंगे, बहुत ही बड़ा पुल है ये, बहुत ज्यादा पानी है यहाँ से, हम क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस शूज गंदे हो गए हैं बहुत काफी हद तक। बसेस नजर आ रही हैं यहाँ से भी। यस, आप बस की छत पे जा रही हैं? नहीं। ओके, विंडो से बाहर देखेंगे आप? हाँ, इंजॉय करेंगे। वही वाली सीट वापस मिलनी चाहिए। ओके, मैम भी वीडियो बना, मैम वीडियो बना रही। वैसे बहुत प्यारा एरिया था, बहुत प्यारा व्यू था ये, आप सब देख सकते हैं। आज का वेदर कितना अच्छा है, वाओ वेदर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा व्यू था, बहुत प्यारा एरिया था। ये वही गंदा नाला। ये कीनू लगे हुए, ये तो आपको यहाँ पे ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये इधर हानपुर साइड पे और इस तरफ बहुत ज़्यादा ये होते हैं ऑरेंज, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। आप लोग एंजॉय करें हमारा व्लॉग देख। इस तरफ ये कह रहे हैं कि जाना मना है, बॉर्डर पार करिए, गोली बज जाएगी। अंकल मैंने समझाया है इनको, बेफिक्र है, ये बेसमझ है। नहीं नहीं मैंने समझा दी, जिनको समझाएंगे ना वो ही समझाएंगे। जी जी मैंने समझा। यस सर, आप भाई तो है ही नहीं, बाहर आ रहा है। वो मुझे कह रहे हैं रोड से थोड़ा साइड पे, देखते हैं कौन सी गाड़ी में बैठेंगे अभी।
ये हमारी गाड़ी है, देख मैं मेरी सीट है, शुक्र है खाली है, कोई किसी ने नहीं ली।